एक बाप की मोहब्बत और मेहनत की वजह से बेटा डॉक्टर बन गया, और उन डॉक्टर बेटी के बद रवैये की वजह से उनका बाप सड़क पर भिखारी बन गया। पहले वीडियो देखिए, फिर वीडियो की तरफ आते हैं। मेरा एक बच्चा डॉक्टर है, 60,000 रुपए किराए के बंगले में रहता है, कम से कम 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है। जिस बाप का बेटा डॉक्टर हो और उस मकान में रहता हो जिसकी किराया 60,000 रुपया हो और उसके पास 35 लाख की गाड़ी भी हो, तो कितनी अजीब बात है कि उनका बाप सड़क पर भीख मांगता हुआ नजर आए। ये भूलना मत, क्योंकि अगर आज हम अपने बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह पाक की नाराज़ी वालिद की नाराज़ी में है। अपने माँ बाप के लिए दुआ करें कि ए अल्लाह उनके साथ वैसा ही रहम कर जैसा इन्होंने बचपन में हमारे लिए तरबियत और कफालत हम पर रहम किया था। सही मुस्लिम की रिवायत है, किताबुल बरोसीला किताब नंबर 45, रदिमा अनफु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी नाक कट गई। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल किसकी नाक कट गई? कहा, माँ बाप को पाया या दोनों में से एक को खोया, लेकिन खिदमत करके जन्नत में नहीं जा सका, उससे बड़ा बदनसीब कोई है ही नहीं। इसलिए माँ बाप की खिदमत करना जन्नत मिलने और दुनिया में कामयाबी का एक जरिया है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिस शख्स से इसकी वालिदैन राज़ी हो अल्लाह पाक इससे राज़ी है, और जिस शख्स से इसकी वालिदैन नाराज़ हो इससे अल्लाह पाक भी नाराज़ है। तो जिसकी माँ बाप नहीं है उनके लिए दुआ करें, और जिसकी माँ बाप है उम्मीद है कि आप लोग उसकी खिदमत करेंगे और आपसे आपकी वालिदैन नाराज़ नहीं होंगे। दूसरी वीडियो तक मुझे सुहेल साफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।